जनपद संभल के चंदौसी में अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के कार्यकर्ताओं ने मालगोदाम रोड पर स्थित अंबेडकर पार्क की सफाई न होने पर ईओ और चेयरपर्सन से अपनी नाराजगी व्यक्त की। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदौसी नगर पालिका परिषद क्षेत्र के मालगोदाम रोड पर स्थित अंबेडकर पार्क का है, जहां पर सफाई कार्य न होने पर अखिल भारतीय अंबेडकर युवा संघ के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग में पहुंचकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस विषय में सतीश प्रेमी ने कहा कि कई बार कहने के बाद भी अंबेडकर पार्क की अनदेखी की जा रही है, जो कि कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा इंदु रानी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए वे ऐसी बातें कर रहा है। इसमें ये कहना है, ऐसा नहीं, बाबा साहब पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के आदर्श हैं और सभी सम्मान करते हैं हृदय से उनका। और उनका कहना कि सफाई नहीं होती, उनकी गलतफहमी है, उनकी राजनीति। आप देखते हो विपक्ष के पास कुछ है तो है नहीं, तो राजनीति करने के लिए कुछ ना कुछ तो लेकर आएंगे ना। आप भी जानते हैं कि अभी 2 अक्टूबर को हम लोगों ने समझा के स्वयं सफाई की है। हर 15 अगस्त 26 जनवरी के बाद राष्ट्रीय पर्व पर त्यौहार होती है, त्यौहार पर सफाई होती है। साथ में मेरे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, मेरे सैनिटरी इंस्पेक्टर और मेरे ईओ साहब बराबर इस बात का संज्ञान लेते हैं, कोई तीज त्यौहार हो, इसके अलावा भी दूसरे तीसरे दिन हर महापुरुषों के पार्क में सफाई होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव आने वाले हैं, तो विपक्ष को लगता है कि कुछ ना कुछ तो ढूंढे, तो अब यही ले आए बाबा साहब, तुम्हारे किसी विशेष व्यक्ति के, विशेष वर्ग के नहीं है, बाबा साहब हम सबके, आपके, हमारे सबके, पूरे हिंदुस्तान के। बाबा साहब का सम्मान करते हो, बाबा साहब की पार्क की खूब सफाई होती है, सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने आज कर ली सफाई, उनका मन था या उनका कुछ उद्देश्य रहा होगा, तो कोई बड़ा काम नहीं किया। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब झाड़ू हाथ में उठा सकते हैं, तो देश का यदि नागरिक कोई, अगर BSP या समाजवादी पार्टी का कोई अगर कार्यकर्ता काम करता है, तो ये उन्हें कर लेना, सहज करना चाहिए। इसमें कोई बड़ा नाम और बात और हाय है और अपने आप को दिखाने, राजनीति दिखाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने किया तो अच्छी बात है, हर कोई करता है, अपने घर की सफाई करता है, अपने महापुरुषों, अपने बड़े बड़ों बुजुर्गों का सम्मान करता है, तो क्या बुराई है अगर आपने कर लिया आज, तो इसमें कोई राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है। ये जनहित में, तो जनहित में बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता के बहुत सारे मुद्दे उनको लेके आए, जनता के हित में बहुत सारे। अभी कोरोना काल में देखा आपने, कोरोना काल में कौन सा समाजवादी, कौन सा जनहित में, कौन से समाज से भी निकल के आए, केवल निकल के आए तो भाजपा के और RSS के संघ के हमारे अधिकारी आए, कर्मचारी आए, और भाजपा के कर्मचारी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मेरे नगर पालिका के पूरे परिवार ने कोरोना काल में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जनता के हित में रात और दिन एक कर दिया। कहीं कोई शिकायत आपको मिली बताइए, चंदौसी में बहुत सेफ रहे, आप सब जानते हैं, मुझे ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता इसमें है नहीं, आप सबके संज्ञान में है। नहीं, नगर पालिका में काम जो उसका है, जो ड्यूटी है नगर पालिका की, यहाँ डॉक्टर अंबेडकर पार्क है मालगोदाम रोड पर, और भी पार्क हैं, लगातार जब जब राष्ट्रीय पर्व होते हैं, जब जब बाबा साहब से जो सम्मत तिथि होती हैं, जहाँ हम अपना कार्यक्रम करते हैं, लेकिन नगर पालिका हमेशा उपेक्षा करती है अंबेडकर पार्कों की। इसलिए हमने ईओ नगर पालिका के खिलाफ आज वो किया है कि भाई नगर पालिका वहाँ साफ सफाई करवावे, लाइटें करवावे। 26 जनवरी को यहाँ चकाचौंध थी नगर पालिका, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर पार्क पर अंधेरा पड़ा था। आज भी 14 अक्टूबर जो कि जो हम दीक्षा दिवस मना रहे हैं, वहाँ हमने सुबह जाके नगर पालिका में हमारे साथियों ने, तमाम संगठनों के लोगों ने अपने हाथों से सफाई की। नगर पालिका अंबेडकर पार्कों की सफाई अपने हाथों से करेंगे तो नगर पालिका किस लिए? लगातार हमने इनको लिखे भी दिया हमारी संस्थाओं ने कि आप साफ सफाई करें जो अंबेडकर पार्क हैं, लेकिन साफ सफाई के मामले में उदासीन रहते। निश्चित तौर पर बाबा साहब की उपेक्षा की जाती है। हमने नगर पालिका को आज चेताया भी ईओ को और उनको कि अगर आपने बाबा साहब की उपेक्षा की, पार्कों की उपेक्षा की, साफ सफाई जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो नगर पालिका पर धरना प्रदर्शन करके जीना दुर्बार कर देंगे तुम्हारा।